गया। अब फिर इसको दोबारा से हाफ फोल्ड करना है। कितना हो गया? तीन बार करना है, ठीक है? देखिए इतनी पतली ये पट्टी आपको मिलेगी। इसके बाद इसको खोल लेंगे और जहां जहां पर फोल्ड के निशान पड़े हुए हैं उसको कैंची से काट देंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपकी सारी स्ट्रिप्स निकलेंगे, ठीक है? और इसी तरह से हम दूसरे वाले स्ट्रिप को भी लेंगे और उसे भी इसी तरह से काट देंगे, ठीक है? चलिए इसको भी कट लेंगे। फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ना इतना बचा है, अब इस पर फेविकॉल लगाएंगे दोनों तरफ और अगली स्ट्रिप इसी पर चिपका देंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगाइए, उसको फैलाकर फिर उसी के ऊपर दूसरी स्ट्रिप चिपकानी है। फिर इसी को इसी के ऊपर फोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे जो इतनी स्ट्रिप बची हुई है एक साइड की थोड़ी सी लंबी छोड़ देंगे और यहाँ पर फेविकॉल लगा के इसको चिपका लेंगे, ठीक है? चिपका लीजिए सब लोग। और दूसरी साइड की जो एक्स्ट्रा निकली है उसको कैंची से कट कर देंगे इसके बराबर। अब यहाँ पर हम लोग को सांप का चेहरा लगाना है, तो इसके लिए पेपर पे मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, उसी शेप में आप लोग उसको कट कर लेंगे। और सांप की जीभ बनाने के लिए इस कलर का यूज करेंगे, ये मैं आपको कट करके दे दूंगी। इसको इस तरह से कट करेंगे। ये सांप की जीभ निकल गई। इसको इस फेस पर इस तरह से चिपका देंगे पीछे से, ठीक है? आगे से इतनी निकली रहेगी। तो सबने ऐसे चिपका लिया है ना? चलिए अब हम लोग सांप की आंखें बनाएंगे। सबके पास स्केच है? चलिए अब मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बन गया सांप का चेहरा।